हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार सा जो है वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम ही है अभी जो है वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और इस समय जो है कपल्स जो हैं वो बिल्कुल चाहते हैं कि वो अपने वैलेंटाइन के साथ एक बढ़िया सा बहुत ही शानदार सा जगह जो है जाएं और अपना प्रीसियस टाइम वहां पे उनके साथ स्पेंड करें। जितने भी कपल हैं वो चाहते हैं कि अपने प्रीसियस टाइम, अपने क्वालिटी टाइम को अपने वैलेंटाइन के साथ जो है स्पेंड करें। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार सा जो है वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा हूं और हमारे वीडियो का टाइटल है कि वैलेंटाइन डे के मौके पे पटना पे में कौन कौन से बढ़िया वैलेंटाइंस डे रेस्टोरेंट है, मतलब जहां पे आप अपने वैलेंटाइन के साथ जा सकते हैं और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमने 5 रेस्टोरेंट को रखा है। तो हमारा 5वें रैंक पे जो रेस्टोरेंट है वो है पटना का फॉरेस्टो पैराडाइज। मैं आपको बता दूं पटना में जो फॉरेस्टो पैराडाइज है बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार सा जो है रेस्टोरेंट है और ये कहीं और नहीं बल्कि पटना के डाक बंगलो रोड पे स्थित है। आपने देखा होगा पटना के डाक बंगलो रोड पे पटना वन मॉल है और यहीं पे जो है फॉरेस्टो पैराडाइज रेस्टोरेंट स्थित है। इसको हमने टॉप 5 के लिस्ट में 5वें रैंक पे रखा है। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार सा जो क्वालिटी टाइम अपने वैलेंटाइन के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जब आप जाएंगे तो अंदर में पूरा का पूरा फॉरेस्ट जैसा आपको एटमॉस्फियर दिखाई पड़ेगा और इस हरियाली के बीच में आप अपने वैलेंटाइंस के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे वो आपको पूरे उम्र याद रहेगा। और इसी संदर्भ में हम जो है अगला रेस्टोरेंट आपको दिखाने लेके जा रहे हैं जो कि है हमारा निर्वाणा। इसका पूरा नाम है निर्वाणा द फाइन डाइन। ये जो है भगवती सरन एनक्लेव में है, बोरिंग रोड में ये बिल्डिंग स्थित है और ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार सा जो है रेस्टोरेंट है। तो इसमें भी आप अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर सकते हैं अपने कपल के साथ। तो अब मैं आपको अगला रेस्टोरेंट दिखाने लेके जा रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको मालूम ही है व्यूअर्स, आज के समय में हमारे सामने जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का बहुत ही कम समय हमारे पास होता है और इसी संदर्भ में एक शायर ने क्या खूब कहा है, इससे ज्यादा तुझे और कितना करीब लाऊं मैं कि तुझे दिल में रखकर भी मेरा दिल नहीं भरता। तो इसी संदर्भ में हम इसको आगे बढ़ाते हुए अपने अगले रेस्टोरेंट को दिखाने लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारे 4th लिस्ट पे जो हमने रेस्टोरेंट रखा है जिसका की नाम है निर्वाणा द फाइन डाइन। और अब मैं इसकी खासियत बता दूं, ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार जो है कपल रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आप जाएंगे और अपने वैलेंटाइन के साथ आप बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इसी संदर्भ में रैंक 3 पे जो हमने रेस्टोरेंट रखा है वो है द हैंगआउट कैफे। अरे भाई, इसके तो नाम ही में हैंगआउट है तो और क्या सोचना। आप जाए यहाँ पे और अपने कपल के साथ, अपने वैलेंटाइन के साथ इस रेस्टोरेंट में जा करके मजा लें, यहाँ पे खाना खाएं और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी टाइम आप अपने वैलेंटाइन के साथ स्पेंड करें। ये है कहाँ, तो ये हरिओम पैलेस में है, मखनिया कुआं में। अब हम
रैंक 2 पे जिस रेस्टोरेंट को हमने रखा उसका नाम हम आपको बता दें, ये है आसमान रेस्टोरेंट। और ये है कहाँ, तो ये नूतन प्लाजा 7th फ्लोर बंदर बगीचा में, जो कि फ्रेजर रोड में स्थित है। ये भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी कपल्स के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शांत जगह है जहाँ पे कपल्स अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और नंबर 1 पे जो हमने रखा वो है और कुछ और नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा रेस्टोरेंट है, वो कौन सा है, वो है हाईवे जंक्शन। मैं आपको बता दूं ये है कहाँ, ये पटना के नेउरा रोड में स्थित है, बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट जगह है किसी भी कपल के लिए, किसी भी वैलेंटाइन कपल्स के लिए जो यहाँ पे जा करके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं कर सकते, बल्कि पटना से थोड़ा दूर खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे भी जो है वो इस डे को मना सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जो रेस्टोरेंट है, और ये सबसे ऊपर हमने इसलिए रखा क्योंकि ये इसके लिए डिजर्व भी करता है। तो यही हमारा आज का वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे ताकि उन्हें भी मालूम चल पाए कि ये कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं जिनको कि हमने टॉप 5 के इस लिस्ट में रखा है जो वैलेंटाइन डे स्पेशल के लिए हमने चूज़ किया हुआ है। और प्लीज़ वैलेंटाइन डे स्पेशल पे हमारे इस अनमोल गिफ्ट को आप भूलेंगे नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे इस वीडियो के रूप में जो हमने आपको दिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे।